इस ड्रामे की आने वाली सात में अब आप देखेंगे कि अनिशा तो मुराद से बदगुमा है कि जो कुछ भी हुआ इसमें मुराद का भी बराबर का कसूर है मगर मुराद तो बेगुनाह है ये बात भी अनिशा को बहुत जल्द पता चल जाएगी जब अब रूही की हकीकत सबके सामने आएगी रूही की दोस्त भी सबको बताएगी कि रूही सिर्फ लालच में यहाँ आई थी ताकि वो साहिब से शादी कर सके उधर मूसा भी वापस आ जाएगा और जब मूसा को ये बात पता चलेगी कि रूही ने कैसे मेरे बच्चे को सीढ़ी बनाकर उन घर वालों को जलील कर रखा है और मेरे बच्चे को मुराद का नाम दिया है तो मूसा भी मुराद के घर आकर सबको बता देगा कि ये बच्चा मेरा है और रूही ने सारा झूठ बोला है तब मुराद अनिशा या कोई भी रूही को कभी माफ नहीं करेगा और रूही को जेल जाना पड़ेगा जो भी चोरी रूही ने करवाई थी वो भी सबको पता चल जाएगा कि वो चोरी किसी और ने नहीं रूही ने खुद ही करवाई थी कौन कौन चाहता है कि अब इस ड्रामे की एंडिंग होनी चाहिए कमेंट करके हमें लाजमी बताइएगा और मजीदी ड्रामा प्रोमो के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा अल्लाह